खबर जयपुर से। जयपुर में अस्पताल में भर्ती मरीजों को अब दवा की पर्ची नहीं दी जाएगी और परिजनों को दवा स्टोर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री से लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक अधिकारी सभी सरकारी अस्पतालों के यह आदेश कर चुके हैं, लेकिन एक माह बाद भी अस्पतालों में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। चांदपुर के जनाना अस्पताल में ओपीडी के समय के बाद फ्री दवा काउंटर पर मरीज की परिजनों की कतार देखने को मिल रही है। नई व्यवस्था के तहत अस्पताल के वार्ड में भर्ती मरीज तक दवा पहुंचाने की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की है, लेकिन वार्ड से मरीज के परिजन खुद ही दवा लेकर पर्ची काउंटर तक पहुंच रहे हैं। ऐसा है, दवाइयाँ काफ़ी कुछ तो जो आरएमएससीएल से आ जाती हैं वो तो ही हैं, और नहीं होती हैं तो हमारे पास जो एक तरह से हमें जो आदेश जारी किए गए हैं सरकार की तरफ से और हमारे हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कि कोई भी महिला जो है दवाई बाहर से बाज़ार से नहीं खरीदेंगे, उनको जेब में हाथ डालना ही नहीं है। हर चीज़ हमें अपनी तरफ से उपलब्ध करानी है। हमारी यही कोशिश है कि मरीजों को जो है बिस्तर पे दवाई मिले, कोई पर्ची ना मिले, और ऐसा हम करने में कामयाब हो रहे हैं। और हमने एक प्रोक्योरमेंट सेल भी बना दी है जिसको हर जगह हमने लगा दिया है आउटडोर में कि भाई दवाई मान लो कोई खास दवाई उपलब्ध नहीं होती है तो ये पर्सन को कॉन्टैक्ट करके हम उस दवाई को बिल्कुल उस इमीडिएटली उपलब्ध होगी। और हमने जो है एक एक दवाई का जो है रेट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो दवाइयाँ जो है पूरी भरपूर मात्रा में उपलब्ध होती है और एसेंशियल मेडिसिन जो है उसकी कहीं भी कोई कमी नहीं आने दी जा रही है। मान लो कोई दवाई ऐसी बाई चांस कोई उपलब्ध नहीं हो तो वो हमारा जो ड्रग काउंटर का जो फार्मेसिस्ट होता है वो जाके रिपोर्ट करता है आउटडोर में कि ये दवा जो है उपलब्ध नहीं है, मैडम इसके बदले में ये दवाई, तो डॉक्टर साहब अपनी समझ से सब्स्टिट्यूट लिखते हैं कि दवाई का फर्क जो इलाज है वो तो हो ही जाए उसका। तो इसलिए कोशिश यही है कि किसी को भी परेशानी हुए